हेलो गाइस, आज हम बेसन की सब्जी बनाएंगे और ये एक बिल्कुल नया तरीका है। एक बार आप भी इस तरीके से बनाइएगा तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे और इसको थोड़ा घोल लेंगे पानी से। हल्दी डाल देंगे, डालेंगे अजवाइन डाल देंगे, सोडा डाल देंगे, मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसका पकोड़े टाइप बनाएंगे। गाइस, ये हमारा अच्छे से मिक्स पेस्ट बन गया है। अब हम प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल, आप जितना ऑयली वैसा खाते हैं उस हिसाब का तेल डालिएगा। है जिसमें कि हमारा प्याज अच्छे से भुन जाए और अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है, अब हम इसमें लहसुन डाल के भून लेंगे अच्छे से। हमारा भुन गया है, इसमें प्याज डालना है और उसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज को इस तरीके से भूनते रहिए। और गाइस, कभी कभी होता है कि घर में सब्जी नहीं है तो हम बेसन की सब्जी बना सकते हैं, और कभी जल्दी में है तो भी बना सकते हैं क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। और इस तरीके से हम प्याज सारा भूनेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। गाइस, प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी हल्दी और मिर्च अच्छे से भुन गई है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, हमारा टमाटर मिक्स हो गया है। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और ये हमने गरम मसाला डाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अनुसार नमक डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। टमाटर को जल्दी मैशअप होने में हेल्प करेगा। इसमें हम थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, लेकिन इसका फ्लेवर अच्छा आता है और इसलिए मैंने इसमें चिकन मसाला ऐड किया है। पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार चलाएंगे। गाइस, मसाला अच्छे से भुन गया है, इसने तेल छोड़ दिया है और हमारे प्याज भी अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें अभी बेसन को पकाना भी है, तो हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। इसी हरी मिर्च भी डाल देंगे ऊपर से इस तरीके से और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक बार बॉयल होने देंगे पानी को। तब ये बॉयल हो गया है, अब हम इस तरीके से जो हमारा बेसन का है वो इस तरीके से इसमें रख देंगे, वो पकोड़े की शेप ले लेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें पूरा वो कर देंगे, जगह जगह पर डाल देंगे पकोड़े। तरीके से हम सारे कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हिलाना नहीं है और इस तरीके से इसमें ढक्कन लगा देंगे। अब एक तरफ से अच्छे से पक चुके हैं बेसन, अब हम इसे ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब सारा हम पलट सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, इसने अपनी शेप ले ली है। ये देखिए, बहुत हल्के हाथ से करना है अदरवाइज टूट सकते हैं। और ये देखिए, हमारा पक के तैयार है, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। और इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, बड़ी झटपट तरीके से बनी है और खाने में बहुत टेस्टी होती है, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, अब हम गैस बंद कर लेंगे।
गाइस, ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हमने इसे सर्व कर दिया है और अब इसे आप रोटी चावल जिसके साथ भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, सी यू।